सीएम मनोहर लाल ने शनिवार को चंडीगढ़ में सीएम घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक की। बैठक के दौरान साल 2015 में पुनहाना में वेयरहाउस बनाने की घोषणा की समीक्षा करते हुए इसके क्रियान्वयन में हुई देरी में मुख्यमंत्री ने सख्त संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक सचिव को एक कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने सीएम घोषणाओं के तहत चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषि एवं किसान कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, स्कूल शिक्षा समेत स्थानीय निकाय विभागों की परियोजनाओं की समीक्षा की। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन्मदिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया और महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की गई। इस मौके पर इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़, भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा और विधायक नरेंद्र गुप्ता मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का आज जन्मदिन है, तो सेवा दिवस के रूप में आज उनका जन्मदिन यहाँ फरीदाबाद में सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मनाया है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हरियाणा के अंदर जो हर व्यक्ति है वो उनका परिवार है और उस परिवार के हर अंतिम व्यक्ति को आगे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का उनका एक संकल्प है। देखिए, आज पूरे हरियाणा में हजारों की संख्या में हरियाणा के लोग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के जन्मदिवस को सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। उसी निमित्त फरीदाबाद में अजय गौड़ जी ने, जो हमारे पूर्व में दो बार जिला अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार रहे, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, उन्होंने यहाँ पर मनोहर जी के जन्मदिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन्मदिन पर पृथला विधानसभा के गांव हीरापुर के लोगों ने जल आरती कर इतिहास रचा। ग्राम पंचायत हीरापुर के सैकड़ों लोगों ने अमृत सरोवर के तहत बने तालाब पर जल आरती की और जल संरक्षण करने के लिए संकल्प लिया है। वहीं बताया कि पृथला विधानसभा का हीरापुर गांव प्रदेश का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां से जल आरती की शुरुआत की गई है। आज गांव हीरापुर की सरदारी गांव की ग्राम पंचायत के माध्यम से एक नई शुरुआत की है कि हमारे यहाँ की जो तालाब हैं, जोहड़ हैं, उनमें जो पानी आता है उसका संरक्षण हो, पानी का संरक्षण हो, जल का संरक्षण हो, इसको लेकर एक जल आरती का कार्यक्रम आज इन्होंने शुभारम्भ किया है। और इन्होंने संकल्प लिया कि प्रतिदिन अपने जोहड़ और इस जल को बचाने का प्रयास करेंगे, प्रतिदिन यहाँ आरती होगी। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि निश्चित रूप से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बहुत बड़ा, उनके जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। जल संरक्षण को देखते हुए हमने, मतलब हमारी ग्राम पंचायत और हमारे गांव के बुजुर्ग और युवाओं ने एक संकल्प लिया है कि जल है तो कल है, जल संरक्षण के लिए जो भी हम अपनी तरफ से कर पाएंगे वो हम करेंगे। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने झोड़ों का सौंदर्यकरण का कार्य जो शुरू किया था, उसी को देखते हुए हमारे भी मन में कोई बात आई थी कि हम भी मुख्यमंत्री जी के लिए कोई मतलब उनको उनके जन्मदिन पर कोई चीज समर्पित करें। छेड़छाड़ के आरोपों में फंसे मंत्री संदीप सिंह ने लाई डिटेक्टर टेस्ट से इनकार कर दिया था, जिस पर अब पीड़ित महिला कोच के पिता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमें पता था कि मंत्री संदीप सिंह सच का सामना नहीं कर सकते हैं, मंत्री कोर्ट का समय खराब कर रहे हैं। न्यायालय में जब मामला चल पड़ा है तो हमारा तो धरने का कोई वो नहीं है,
बाकी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, काफ़ी कर रहे हैं। नहीं, हम इस प्रोसेस को तो जारी रखेंगे, लेकिन हमें अब माननीय न्यायालय के अंदर जब बात पूरी आ गई है तो न्यायालय के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अब माननीय न्यायालय से तो उनको भी न्याय मिलेगा, वो तो जंतर मंतर पे बैठे हैं इतने दिन से, वो बेचारे बारिश में बैठे हैं, उनकी चारपाइयाँ छीन ली जाती हैं, सारी चीज़ें हैं। तो उसके बारे में जब केंद्र के वहीं से नज़दीक पार्लियामेंट है, सारे मंत्रालय नज़दीक हैं, वहाँ से उनको कोई मदद नहीं मिल रही, तो मैं तो ये समझता हूँ कि माननीय न्यायालय के अलावा कहीं उनको आशा नहीं रखनी चाहिए। माननीय न्यायालय में जब मामला चल पड़ा है, जज्जर के बेटे रोहित अलावत ने लंदन में काउंसलर का चुनाव जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी हरियाणवी ने इंग्लैंड की धरती पर काउंसलर का चुनाव जीता है। ब्रिटेन में ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता रोहित अलावत ने काउंसिल के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। रोहित पहले ऐसे हरियाणवी हैं जिन्होंने इंग्लैंड में किसी भी तरह के चुनाव में जीत की पताका फहराई है। हालांकि इंग्लैंड के अलग अलग संसदीय क्षेत्रों से कई भारतीय चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी हरियाणवी को सांसद या काउंसिल के चुनाव में जीत नसीब नहीं हुई थी। बता दें कि रोहित ने जीत हासिल करने के बाद फोन पर अपने पिता से वीडियो कॉल पर बातचीत की और उनका आशीर्वाद हासिल किया। रोहित अलावत की जीत के बाद अब निश्चित रूप से लंदन में रह रहे हरियाणा के लोगों के आत्मविश्वास में इजाफा होगा और अगले कुछ सालों में इंग्लैंड की सियासत में हरियाणवियों का बोलबाला भी होगा। रोहित अलावत, जैसा आप सभी को पता था कि यहाँ इंग्लैंड में काउंसलर का चुनाव लड़ रहा था, तो मुझे बड़ी बताते हुए खुशी हो रही कि मैं ये चुनाव आप सभी की दुआ और आशीर्वाद की बदौलत जीत गया हूँ। मैं इस जीत का श्रेय मेरे सभी साथियों को, मेरे माँ बाप को, मेरे बड़े बुजुर्गों को और जिस उन सभी साथियों को जिन्होंने मेरी इस जीत की दुआ की और मेरे लिए प्रार्थना की, तो मैं इस जीत को सभी के लिए समर्पित करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आप सभी का मान सम्मान ऐसे ही बढ़ाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को कम किया जाए और नगर निगमों में बाजार में चलान किया जाए। वहीं बल्लभगढ़ की बात की जाए तो नगर निगम की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर मार्च और अप्रैल महीने में अब तक 139 चालान किए जा चुके हैं और 1,03,000 रुपए की रिकवरी की गई है। बल्लभगढ़ नगर निगम के सैनिटरी इंस्पेक्टर ब्रजमोहन की माने तो 2 महीने में सिंगल यूज प्लास्टिक के 139 चालान किए गए। मार्च के महीने में 68 चालान हुए और 39,500 रुपए जुर्माना वसूला गया। अप्रैल की बात की जाए तो 71 चालान हुए और 63,500 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। मार्च में हमने 68 चालान किए हैं और 68 चालान पर 39,500 को जुर्माना वसूल किया। अप्रैल में हमने 71 चालान किए हैं जिनमें 63,500 रुपये का जुर्माना किया और वो वसूल भी किया है। 2 महीने में हमने 139 चालान पर 1,03,000 की रिकवरी की है। तो लगातार प्रक्रिया जारी है आपकी? चालान प्रक्रिया जब तक मकसद पूरा नहीं होगा तब तक चालान प्रक्रिया हमारे इंस्पेक्टर द्वारा जारी रहेगी। तो बात करें आपकी रेडियो की, बात करें यार चाहे रेहड़ी हो, दुकान हो, सब्जी मंडी हो, मार्केट हो, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन है और अगर कोई प्रयोग करेगा तो जुर्माना तुरंत प्रभाव से किया जाएगा।
हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का उनके कार्यालय पहुंचकर आभार प्रकट किया। कर्मचारियों ने कहा कि इतिहास में पहली बार हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जो इतने बड़ी संख्या में बसें शामिल की गई हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय काम है। कर्मचारियों ने गुलदस्ता देकर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का धन्यवाद जताया और कहा कि परिवहन मंत्री ने रोडवेज विभाग में जान डालने का काम किया है। वहीं मामले पर रोडवेज के मैकेनिक राकेश का कहना है कि उनके 34 साल की इस नौकरी में पहली बार हरियाणा रोडवेज में भारी संख्या में बसों को शामिल किया गया, जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर है। नाम राकेश मोहन सिंह है, हरियाणा रोडवेज में मैकेनिक के पद पर कार्यरत हूँ। मंत्री जी से मिले हैं, क्या रीजन? हम उनका धन्यवाद करने आए हैं क्योंकि उन्होंने विभाग को एक जान डाल दी है इतनी बसें देने के बाद। मेरी 34 साल की नौकरी है जी, आज तक इतनी बसें हमने विभाग में कभी नहीं देखी थी। जितनी बसें अब एक साथ उन्होंने की है, उसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी थी। इसलिए हम मंत्री जी को धन्यवाद देने आए थे क्योंकि उन्होंने विभाग को बचा दिया है। बसें आई हैं तो हमारी नौकरी बची है, अदरवाइज तो नौकरी के भी लाले पड़ रहे थे क्योंकि बसें नहीं आ रही थी। तो फरीदाबाद डिपो में लगभग कितनी बसें? फरीदाबाद डिपो में अभी और भी बसें आनी है, लगभग कह रहे हैं 207 बसें होने का टारगेट है। तो इससे पहले आपने देख बता रहे हैं कि इतिहास में बसें नहीं आई, बहुत कम बसें आती थी जी, पुरानी ही बसों से हमने गुजारा किया है और इस टाइम तो तकरीबन सारी बसें हमारे डिपो में नहीं हो जाएगी। मनोहरलाल ने अपने जन्म दिवस पर बुजुर्गों को तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री ने अयोध्या यात्रा के लिए पंचकुला से बस को हरी झंडी दिखाकर पहले जत्थे को रवाना किया। ये बस पंचकुला से अंबाला कैंट तक पहुंचेगी और अंबाला से रेल के माध्यम से यात्री अयोध्या तक का सफर तय करेंगे। इन यात्रियों को आने जाने का खर्च हरियाणा सरकार ही वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ योजना की शुरुआत पंचकुला जिला से की गई, इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। उसके बाद 60 साल की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक जो तीर्थ यात्रा पर जाना चाहेगा उन्हें भेजने की व्यवस्था सरकार करेगी। आगे उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में तीर्थ यात्रा करने का सपना होता है, इसलिए सरकार ने ये योजना बनाई है। यात्रियों ने मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह की यात्रा का सौभाग्य उन्हें मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनका बरसों पुराना सपना हरियाणा सरकार ने पूरा किया है। हम बहुत आभारी हैं मुख्यमंत्री साहब के, उनको जन्मदिन की भी मुबारकबाद। और आज से जो अपने पंचकुला के लिए शुरुआत यहाँ से प्रोग्राम किया गया अयोध्या के लिए, हम इसके लिए सरकार का भी और तरुण जी का भी बहुत भारी हैं। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा मौका भी मिलेगा या सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन के लिए ऐसा धार्मिक स्थान पर जाने का आयोजन किया जाएगा। आज यहाँ पर बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा और हमें भी मौका मिल गया कि साथ में मुख्यमंत्री को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद दे दें, लेकिन साथ में सारे सीनियर सिटीजन जितने आए हुए हैं इनको यहाँ पे खाने की बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। और अभी यहाँ से बसों के लिए अंबाला तक और अंबाला से ट्रेन में अयोध्या तक जाने की जो सुविधा है, इस सारे प्रोग्राम के लिए हम सारे सिटीजन जो हैं पंचकुला के। मैं क्या जी, सानू तो किन्ना दिखाना था जो मुख्यमंत्री ना दिखाता। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है, इन्हें सानू यात्रा कराती, सरकार ने हमारा सपना पूरा कर दिया। सबसे पहले तो मोदी जी के और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे को ये मौका दिया जाने। हमने कभी सपने में भी सोचा नहीं, कभी ऐसे तभी कभी जाएंगे या नहीं जाएंगे, पर इन्होंने हम बहुत धन्यवादी हैं कि इन्होंने हमको राम मंदिर में सबसे धन्यवाद, बहुत चाहना थी हम भगवान का मंदिर देखे। सब वृक्ष आश्रम में इकट्ठे होके जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है सबको ना, यहाँ पर बैठे थे सबको अच्छा लगा कि जो उनके पास अपना पैसा नहीं होता जाने के लिए खाने के लिए, आज खट्टर साहब ने अपने जन्मदिन पे सबको फ्री खाना, फ्री रहने का, फ्री जाने का किराया, सब कुछ फ्री किया, इतने लोग खुश हैं कि बहुत ज्यादा। सबसे पहले तो मैं इस बात का धन्यवाद करता हूँ आपका कि आज 69 वर्ष पूरे करने के बाद 70वें वर्ष में प्रवेश किया है, तो यहां तक आज 4 नई योजनाओं की घोषणा भी की गई है। एक HSVP जो हमारा सरकारी एक प्राधिकरण है,
उनके पास कुछ रजिस्ट्रेशन का पैसा आता है जिनको वो ऑक्शन करते हैं प्लॉट, तो ऐसा उनके पास 9 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। तो उन्होंने कहा किसी अच्छे काम में, हम CSR की योजना में पैसा लगाना चाहते हैं, तो हमारी जो वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, जिसमें ये अपनी बनी है ना रंजीता मेहता जी, वही है ना वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, वेलफेयर काउंसिल ऑफ चाइल्ड, तो उनको 2 करोड़ रुपया उसमें से अनुदान के नाते दिया ताकि वो बच्चों की देखरेख में उस चीज़ को आगे बढ़ाए। बहुत बड़ा काम है वो, बच्चों को उनकी देखभाल करना ये बहुत आवश्यक रहता है। तो एक दूसरा, हमारा जो HKRN विभाग है, निगम है, उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ नौकरियों का ऑफर आई हुई है, आज आपके हाथ से एक बटन दबाना है, 896 नए लोगों को रोजगार, ये भी बटन दबा करके आज दिया। तीसरा, परिवार पहचान पत्र के नाते से अब हमारे पास हर परिवार का, हर व्यक्ति का डाटा है। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल भिवानी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं आम आदमी द्वारा लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर बोलते हुए JP दलाल ने कहा कि आपके प्रमुख अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा सामने आ चुका है। जो फटी टी शर्ट पहन मारुति में घूमते थे, उनके घर पर 45 करोड़ रुपए खर्च होना किसी को हजम नहीं हो रहा। JP दलाल ने पूर्व CM OP चौटाला द्वारा केंद्र और प्रदेश सरकार पर बढ़ते कर्ज के सवालों पर कहा कि चौटाला बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि विकास और अर्थव्यवस्था की गति तेज हो रही है, ऐसे में हमें विकास और लोगों की समृद्धि के लिए और कर्ज भी लेना पड़ा तो लेंगे। इसके साथ ही MSP न देने को लेकर सरसों की खरीद बंद करने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि इस बार पहली बार इतने कम समय में 6 लाख मैट्रिक टन सरसों की खरीद कर किसानों के खातों में 1500 करोड़ रुपए डाले हैं। साथ ही भरोसा दिलाया कि जिन किसानों की सरसों बची है उसकी खरीद को लेकर सोमवार या मंगलवार को फैसला लिया जाएगा। देखिए, थोड़े से समय के अंदर लगभग 6 लाख मीट्रिक टन सरसों मंडियों में आ चुकी है, उसमें से अधिकांश हमने MSP पर खरीदी है। जो क्वालिटी ख़राब थी वो प्राइवेट आदमियों ने खरीदी है और उसका खरीद करके 15 दिन के अंदर अंदर हमने उसकी लगभग 1500 करोड़ रुपया खाते में भी डाल दिया है। और अभी भी जो गेट पास कटे हैं उनकी खरीद जारी है। डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिए हैं कि चेक करके जो गेट पास करे हैं उनकी सारी खरीद करवा दें और मंडी से जल्दी से जल्दी उठवान कराएँ। और जितने थोड़े से समय में इस बार खरीद हुई है, इतनी अच्छी खरीद पहले नहीं हुई। बुजुर्ग हो चुके हैं चौटाला साहब, उनको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। आज देश जो है 5वें नंबर की विश्व में अर्थव्यवस्था हो रही है और सारी दुनिया में मानते हैं कि भारत की GDP बहुत तेज गति से बढ़ रही है। और इसी तरह से हरियाणा की भी जो विकास की गति है वो तेज है। और इसके लिए अगर पूंजी की ज़रूरत होगी, परमिशन लिमिट में लेने की ज़रूरत होगी तो हम और भी लेंगे। हमें अपने इलाके के लोगों की समृद्धि के लिए, उनके लिए, उनकी जीवन दशा को सुधारने के लिए जो भी करना है वो करेंगे। गृहमंत्री अनिल विज ने ऑस्ट्रेलिया से वापस आने के बाद अम्बाला छावनी के नेता सुभाष पार्क में संवाद कार्यक्रम किया, जहां अपने अनुभव उन्होंने साझा किए। अम्बाला के लोगों ने उनसे अम्बाला की समस्याओं के साथ साथ अपने विचार भी रखे, जिसका विज ने बड़ी ही शालीनता से जवाब दिया और उनकी समस्याओं को दूर करने की बात कही। ये पहला समय है जब विज विदेश से आने के बाद अपने मन की बात उन्होंने कही और अपने अनुभव साझा किए। विज ऑस्ट्रेलिया में गीता महोत्सव में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए हुए थे। मैंने बताया कि जो मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा, पहले मैं सिंगापुर गया था, सिंगापुर में भी मैंने देखा कि सारे लोग खुद नियमों की पालना करते हैं। सारी सड़क पर मुझे एक भी ट्रैफिक कर्मचारी नज़र नहीं आया। लोग अपने आप रेड लाइट पर रुकते हैं, अपने आप लेन में चलते हैं, खुद बेल्ट लगाते हैं।
तो ये लोगों को मैंने कहा कि सरकार तो सड़कें बना रही है, अब जैसे हमने सड़क बना दी है और जीटी रोड भी इतनी चौड़ी हो गई है, अम्बाला साहा हमने बना दी है, लेकिन लोगों को भी अपने प्रेरणा से ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर चुटकी लेते हुए पलटवार किया, जिसमें केजरीवाल ने कहा था कि जिस दिन आपको एक पैसे के भ्रष्टाचार में मेरी संलिप्तता का पता चल जाए उस दिन मुझे फांसी पर लटका दें। विज ने कहा कि सजा का काम कोर्ट का होता है, आप अपने खुद की सजा तय करके देश में सनसनी पैदा करना चाहते हैं और जांच को प्रभावित करना चाहते हैं, आपकी सारी सच्चाई सामने आ रही है। देखिए, सजा देने का काम कोर्ट का होता है, अब ये अपनी सेल्फी सजा घोषित करके देश में सनसनी पैदा करना चाहते हैं कि और जांच को प्रभावित करना चाहते हैं। जांच हो रही है, थोड़ा हौसला रखो, पेशेंस रखो, जांच को होने दो, आपकी सारी सच्चाइयाँ तो सामने आ रही है। आप कितने अपने आप को टूटी चप्पल वाला चीफ मिनिस्टर कहते थे और कितने करोड़ रुपए की आपकी कोठी आज रोज़ वो लोग देखना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कैसी कोठी बनाई है केजरीवाल जी की। सारी सच्चाई आपकी सामने आ रही है और आपकी पार्टी वो एक झूठी पार्टी के नाम से प्रचलित हो गई। ने सरकार विकास कार्यों की जानकारी दी और साथ ही सरकार के निर्णयों के मुताबिक लोगों को मालिकाना हक के बारे में अवगत कराया। मंत्री जनसंपर्क कार्यक्रम के अनुसार कई क्षेत्रों का दौरा कर उन्होंने किया। बता दें कि नवा हाउस में मुख्यमंत्री भूमि स्वामित्व योजना के तहत दुकानों के मालिकाना हक देने पर दुकानदारों की ओर से राज्य मंत्री संदीप सिंह का अभिनंदन किया गया। मंत्री ने जनसंपर्क कार्यक्रम के मुताबिक कई क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने बताया कि गाँव हरिगढ़ बौरक के निकट मारकंडा नदी पर बनने वाले पुल का टेंडर खुल चुका है, जल्द ही इस पुल का निर्माण कार्य शुरू होगा, इससे आसपास के दर्जनों गांवों को फायदा होगा। राज्यमंत्री संदीप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम अनाउंसमेंट के जरिए मारकंडा नदी पर गांव हरिगढ़ बौरक के निकट पुल बनाने को स्वीकृति दी थी, जिसके तहत इस पुल पर लगभग 8 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। अधिकारियों के साथ जब बैठक होती थी कि शहर के अंदर की जो दुकानें हैं जहां पर लोग काफ़ी समय से बैठे हैं उनको किस प्रकार मालिकाना हक मिले, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेजिडेंशियल हो। अब यही योजना जो है अर्बन लोकल बॉडीज के अलावा जो दूसरी डिपार्टमेंट के अंदर अगर ऐसी योजनाएं अडॉप्ट करने की अब बारी चल रही है, क्योंकि ये तो अर्बन लोकल बॉडी का तो ये फैसला जो है वो तो हो चुका है और उसके ऊपर कार्य चल रहा है।